माजी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत, त्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलेला आहे आणि यावरती नितीन गडकरींनी काय भाष्य केले ते देखील आपण बघूयात। क्या आप उनके इन विचारों का सम्मान करते हैं? क्या आरएसएस भी इस बात को मानने लगी है कि जो इनकी भावनाएं आरएसएस के बारे में थी वो सही थी? या तो आरएसएस स्पष्ट करे, या आरएसएस कहती है कि सिर्फ क्योंकि वो महामहिम राष्ट्रपति बन गए उसके बाद एक सिंबॉलिक रूप में किसी को बुला रहे हैं। क्योंकि जो आप अपने ट्रेनी कार्यकर्ताओं को ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो आपकी समझ से बिल्कुल विपरीत और सही व्यू रखता है आरएसएस का, जो जानता है कि आरएसएस क्या है और इस संगठन का क्या रोल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको बैन करके किसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो एक या तो अगर आरएसएस ने अपने विचार बदल लिए हैं और अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करके समझ गई है कि हम हाँ वो घटिया और गंदी संस्था हैं जो प्रणब दादा या और लोग हमारे बारे में कहते हैं, तो स्वागत और स्वीकार्य बात है, अच्छी बात है। संस्था अगर अपने आप को समझ गई और कोई ऐसे व्यक्ति को लाती है जो विपरीत विचार रखता है और जिसके विचारों को सुनके वो अपने में सेल्फ करेक्शन लाना चाहती है, तो उस बात का मैं स्वागत करता हूँ। प्रणब दादा ने देखिए वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हो सकता है वो वहां जाकर उनको बताना चाहें आरएसएस के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस बात को भी इंतजार करूंगा कि जो व्यक्ति ऐसे विचार आरएसएस के बारे में रखता था वो अब आरएसएस के सम्मेलन में जाकर क्या कहेगा। देखो, आरएसएस के कार्यक्रम में किसको बुलाना और किसने जाना, ये बुलाने वालों का और जाने वालों का अधिकार है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए और जो विचार नहीं पटते अगर मत बने उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। ये जिस प्रकार की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात है ये आउटडेटेड है। ये करने वाले लोग दूसरे को कम्युनल कहते हैं, वो खुद कम्युनल है और बहुत छोटे दिल के हैं। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में हमारे नागपुर के एबी बर्धन रहते थे और मैं उनको आइकॉन मानता था, उनके आशीर्वाद देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय गया था। मुझे लगता है इतने छोटे दिल से काम नहीं होना चाहिए और प्रणब मुखर्जी अगर आते हैं तो अच्छी बात है। और संघ कोई आए से कहेंगे क्या, पाकिस्तान की संगठन है क्या? संघ राष्ट्रभक्तों की ये है। और क्यों आप टीका टिप्पणी करते हो? लोग तो सब जगह जाते हैं, कोई दारू के दुकान में जाता है, कोई और कोई जाता है बार में जाता है, कोई लेडीज़ बार में जाता है, कोई कौन सा अपना बार मुंबई में होता है अभी बंद हुए वहाँ जाता था। तो आप कोई आरएसएस के कार्यक्रम में जाता है तो उसको क्यों आप टीका टिप्पणी करते हो? मीडिया ने भी अपना स्वभाव बदलना चाहिए, अपने स्वागत करना चाहिए कि इट इज़ ए गुड स्टार्ट कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जा रहे हैं। एक पाउल पुढ़े।